ओके पीपल, इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स एक कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं, ठीक है? वॉट आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? तो हमने देखा एक इनपुट यूनिट है, एक होता है भाई साहब आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है भाई साहब आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है? सो इनपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएंगे आपके? कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ये सारे इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब आप कोई कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को तो आपके कमांड के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है? और फिर वो क्या जनरेट करता है, बेसिकली आउटपुट जनरेट करता है, वो एक रिजल्ट जनरेट करता है। तो आउटपुट यूनिट में क्या क्या आ जाएंगे आपके? आपका मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको दिखता है रिजल्ट, ठीक है? और अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट आउट में निकाला है तो वो आ जाएगा प्रिंट आउट, ठीक है? सो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? दीज विल बी व्हाट? आउटपुट यूनिट्स, ठीक है? सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मेमोरी। मेमोरी इज द प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा ऑब्टेंड फ्रॉम द इनपुट एंड ऑल्सो द जनरेटेड सोल्यूशन और आंसर बाई द कंप्यूटर, ठीक है? तो मेमोरी क्या है भाई साहब? डेटा स्टोर होती है मेमोरी में, ठीक है? मेमोरी इज द प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा ऑब्टेंड फ्रॉम द इनपुट। तो आपका जो डेटा है वो स्टोर्ड रहता है मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ का एप्लीकेशन चालू होता है वो भी मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है? आप जितना कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो सारा आपका मेमोरी में स्टोर रहता है, प्लस जो आप काम कर रहे हैं वो भी आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, वो आपके स्टोरेज कैपेसिटी पे है। आपका यू नो कंप्यूटर में कितना स्टोरेज कैपेसिटी है उससे भी डिपेंड करता है। आप उसके कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी को हार्ड ड्राइव के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? सो मेमोरी इज़ द प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा। अभी मेमोरी सिर्फ भाई साहब आपका जो आप काम कर रहे हैं उसका ही डेटा नहीं है, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी मेमोरी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सिर्फ ऑन होने से ही काम नहीं होगा। आप कंप्यूटर में काम करते हैं विंडोज़ पे, आप कंप्यूटर में काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस एप्लीकेशंस पे, समझ लो यू नो वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, व्हाटएवर। सो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है? सो विंडोज़ चलना चाहिए पहले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेमोरी में इंस्टॉल्ड हैं। The moment you open up the computer, all these will start working. ठीक है? So memory is the place for storing data obtained from the input and also generated solution or answer by the computer. ठीक है? Two types आपका, एक होता है internal memory और एक होता है भाई साहब आपका external memory. ठीक है? Computer में जो memory होता है वो दो type का होता है, एक internal एक external. Internal memory भी भाई साहब दो type के होते हैं। इसको हम बोलते हैं RAM, that is random access memory. Created from electronic components, works only when supplied electricity. ठीक है? RAM भाई साहब तभी काम करेगा जब उसको electricity supply आप कर रहे हैं, ठीक है? So internal memories of two types, RAM, हम बोलते हैं ना कंप्यूटर का भाई साहब RAM क्या है, हार्ड डिस्क का RAM क्या है? Random access memory created from electronic components works only when supplied electricity. ROM, read only memory. The information stored here can only be read. तो हम भाई साहब सिर्फ इसको read ही कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसे जैसे, सो वी कैन ओनली रीड दिस। तो ये हो गया भाई साहब आपका रीड ओनली मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग होते हैं भाई साहब, ठीक है? कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका कंप्यूटर चलता है, ऑल्सो कॉल्ड द डॉस। आज की तारीख में इसको कोई मतलब यूज नहीं करता है, डॉस बहुत पहले का हुआ करता था। सो इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। प्रोग्राम्स, ठीक है? सो ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म। तो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में आपका डेटा रहता है और कंप्यूटर इसको पूरा प्रोसेस करके देता है, ठीक है? टू मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स आ जाती हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये सारा जो भी आप टच और फील कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर आपका कमांड्स जो आप देते हैं, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इनपुट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन आउटपुट, ठीक है? तो जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में वो कुछ कमांड्स पे करते हैं, तो कमांड्स आप देते हैं कंप्यूटर को, इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई करते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन सप्लाइड के ऊपर से कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है? सो रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड एंड दिस इज नोन एज द आउटपुट, ठीक है? मैच द नेम्स गिवन इन ग्रुप ए विद द डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप बी, रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, ग्रुप ऑफ कमांड्स गिवन टू अ कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन इन इट्स रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म, चेंजेस कैन नॉट बी मेड टू द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इन दिस मेमोरी। कौन सा होगा भाई साहब? रीड ओनली मेमोरी,
यहाँ पे आप सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपका वन का डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भाई साहब क्या हो जाएगा? सो इट इज़ बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। प्रोग्राम इंफॉर्मेशन इन रॉ, ठीक है। सो आपके भाई साहब वन का देखो हो गया डी, ठीक है। टू का भाई साहब हो गया ए, ठीक है। थ्री का हो गया भाई साहब आपका बी, थ्री का बी होगा ग्रुप ऑफ कमांड्स गिवन टू अ कंप्यूटर एंड डेटा इज बेसिकली व्हाट, डेटा इज इंफॉर्मेशन इन इट्स रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर? रैम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भाई साहब, आपके अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस पे सॉफ्टवेयर होता है। सो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सो कॉमन सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो, ठीक है। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, राइट इक्वेशंस, शायद आप सब लोगों ने इसका इस्तेमाल कभी ना कभी तो किया ही रहेगा, ठीक है। वेरी कॉमन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें आप भाई साहब सब कुछ कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, आप डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, आप भाई साहब कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसमें। सो इट इज़ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। टू ऐड एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ्स, तो आप भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ग्राफ भी बना सकते हैं, उस डेटा से आप फटाफट ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, पाई चार्ट भी जनरेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। ये जैसे आपका चल रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पीपीटी जिसको हम बोलते हैं। सो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ये बना बनाया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो आपके पास चल रहा है। तो क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर एडुकेशन, जैसा आपका चल रहा है देखो, सेमिनार्स, कभी कभी लोग जो हैं तो सेमिनार्स करते हैं। सेमिनार्स मतलब बहुत बड़े बड़े यू नो लोगों को बुलाकर किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाना, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़े होकर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में समझाऊँ या किसी चीज़ के बारे में समझाऊँ तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऑडियो विजुअल माध्यम से लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बिजनेस सेमिनार्स में ब्लैक बोर्ड लेकर तो नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो दीज आर वेरी हेल्पफुल पावर पॉइंट में, मतलब आप एक प्रोजेक्टर लेकर जाते हैं, ज़्यादा करके बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक पावर पॉइंट प्रोजेक्टर और एक जो हैंगिंग आपका होता है, देखो हैंगिंग एक यू नो प्रोजेक्शन स्क्रीन होता है, उसको लेकर जाते हैं और उसमें प्रोजेक्ट कराकर तमाम प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, क्योंकि लोग जो है तो ऑडियो विजुअल चीज़ों से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंटेशंस ऐसे होते हैं। तो क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर एडुकेशन, सेमिनार्स एंड एनिमेटेड स्लाइड्स। तो एनिमेटेड स्लाइड्स मतलब देखो, जैसे मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ तो अपने आप कमांड लेता जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एनिमेटेड स्लाइड्स, ठीक है। एनिमेटेड स्लाइड्स या कोई भी, देखिए कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन लोगों को जल्दी ग्रास्प करेगा, ठीक है, लोग जल्दी पकड़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग आउट देयर। अडोब रीडर भाई साहब, अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल टू व्यू प्रिंट एंड हैंडल, ये सब तो आप सब कर ही चुके होंगे। एडोब का या पीडीएफ तो सब वाकिफ ही होंगे। तो दिस इज बेसिकली अडोब रीडर होता है, ये बेसिकली पूरे डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है, उसमें कुछ चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो एडोब फाइल में हम किसी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में नहीं भेजते, हम पीडीएफ फाइल में भेजते हैं ताकि उसमें कुछ चेंजेस ना हो। पीडीएफ फाइल में आपने जिसको भेजा है वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा अंटिल अनलेस वो कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करके फिर चेंजेस करे। तो आपका जो फाइनल फाइल होता है उसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेज देते हैं, ठीक है। सो दीज आर मेकिंग आर लाइफ्स वेरी इजी, ठीक है। ये कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, सर्च इंजन टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, गूगल की तरह ही है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश करता है, ठीक है, गूगल गूगल कंपनी करती है, लेकिन आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये, ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स टू ड्रॉ ग्राफ्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड इन एन एक्सपेरिमेंट वन यूजेस, क्या यूज़ करेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसी ने ट्राई किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर करते हैं, अगर टेबल में आप एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आपका एक ऑप्शन आएगा, आप राइट क्लिक करेंगे ना तो ग्राफ में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन आएगा, वो ऑटोमेटिकली ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा और अलग अलग ग्राफ्स में कन्वर्ट होता है। कहीं पे भाई साहब पाई चार्ट बना सकते हैं आप उसका, कहीं पे भाई साहब आप उसका यू नो बार डायग्राम बना सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, टू ड्रॉ ग्राफ्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन एक्सपेरिमेंट वन यूजेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भाई साहब आप आराम से ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इजीली ड्रॉ ग्राफ्स, ठीक है। ओके, यू मस्ट हैव विथ यू द मटेरियल एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑन विच यू विश टू मेक द प्रेजेंटेशन। द सॉफ्टवेयर दैट यू विल यूज हियर इज, तू बता
तो मैं क्या ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मेरे साथ तो पढ़ नहीं रहा था इसका मतलब, फिर से तू पढ़ रहा है। हाँ भाई बताएगा कौन, एनीवन एनीवन, हे सर आर यू। अरे तुम लोग को मैंने एग्जांपल तो दिया, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन से सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहा हूँ आपको, पावर पॉइंट है वो, ठीक है, दिस इज बेसिकली पावर पॉइंट, पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो और इन सब चीज़ों से तो आपको वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ज़्यादा करके टीचर्स ने आपको इसी मॉडल में पढ़ाया है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ओके, सो द सॉफ्टवेयर दैट यू विल यूज इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज, हाँ बोलो बोलो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और एफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारा नॉर्मल जो लाइफ है वो इजी होता है, ठीक है, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ किया, या बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो इससे हमारा लाइफ ईजी होता है। नाउ हाउ डज दिस हेल्प इन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेशन भाई साहब आपका, सम एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन साइंस कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड ईजिली एंड इफेक्टिवली बाई यूजिंग सिमुलेशन एंड एनिमेशन। तो कोई भी चीज़ अगर एनिमेटेड फॉर्म में आप देखेंगे तो उससे जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, है ना, एनीथिंग दैट यू सी इन एन एनिमेटेड फॉर्म यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट। और यहाँ पे आपका फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, समझ लो नर्वस सिस्टम का फंक्शन दिखा रहे हैं भाई साहब, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वो मैसेजेस भेज रहा है, कैसे वो मैसेजेस आपके नर्व से होते हुए जा रहे हैं, अगर इस सब को हम दिखाएं तो लोग ज़्यादा जल्दी इसको कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट। प्रडिक्शन, प्रडिक्शंस कैन बी मेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, देखो हमने पढ़ा था IMD होता है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पूरे वेदर की स्टडी करता है, और इस वेदर की स्टडी के हिसाब से ये प्रडिक्शंस करता है कि भाई साहब भारी वर्षा होने वाली है, या कहीं पे बहुत ज़ोर से बाढ़ आने वाली है, या सुनामी होने वाला है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर का इंडिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें कंपाइल करके, ठीक है, इस डेटा को कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाती है, और इसको हम बोलते हैं प्रडिक्शन, ठीक है। प्रडिक्शंस कैन बी मेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, सो ये मेट्रियोलॉजी हो गया। कलेक्टिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप्स, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकीपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे भाई साहब आपके क्या हैं, ऑल दीज आर वॉट, ऑल दीज आर आपके कलेक्टिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं बाई दीज मेथड्स, इंटरनेट हो गया भाई साहब, ईमेल हो गया, न्यूज़ ग्रुप्स, ब्लॉग्स, चैट रूम्स, विकीपीडिया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, हाउ डज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट वेदर, बाई कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स वेदर आफ्टर कंपाइलिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, डेटा को कंपाइल करके कंप्यूटर में इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं कि इस डेटा को हम अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर मेरे को अभी डेटा में इतनी ह्यूमिडिटी मिल रही है, सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यू नो देयर वुड बी हाई रेन्स और समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये टेंथ वाले क्यों घूम रहे हैं, डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है, ठीक है, इट कैन प्रेडिक्ट वेदर आफ्टर कंपाइलिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर, नेम डिफरेंट मीडियम टू कलेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, न्यूज़ ग्रुप्स हो गए, ब्लॉग्स होते हैं, चैट रूम्स होते हैं, ठीक है, विकीपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, आपका भाई साहब सॉफ्टवेयर फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है, वाई इज़ इट एन इंपॉर्टेंट फील्ड, इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स तैयार किए हैं, ठीक है, जो आज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। आप भाई साहब सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो और उस सॉफ्टवेयर पे पूरी एक कंपनी चलती है, ठीक है, एन एंटायर कंपनी रन्स ऑन अ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डिजाइन बाय यू, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत हाई लेवल पे होती है, ठीक है, एंड यूटिलिटी स्पेशल पर्पस साइंटिफिक एप्लीकेशंस, तो ये सारे जो है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं, ठीक है। हार्डवेयर फील्ड में क्या है, टू मेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका मतलब स्कोप तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी है, टू मेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर टू कीप कंप्यूटर्स इन बिग कंपनीज वर्किंग एफिशिएंटली विदाउट अ ब्रेक। तो हर एक बड़े कंपनी में आपका IT डिपार्टमेंट होता है, और ये IT डिपार्टमेंट क्या करता है, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं उनको इफेक्टिवली रन करवाता है, ठीक है।
अपॉर्चुनिटीज हार्डवेयर डिजाइनिंग हार्डवेयर प्रोडक्शन हार्डवेयर असेंबली एंड टेस्टिंग हार्डवेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर्स ये सारी चीज़ें हार्डवेयर रिलेटेड सारी चीज़ों को ये मेंटेन करता है ठीक है। ट्रेनिंग टू ट्रेन न्यू एंट्रेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स इन अ वास्ट फील्ड ठीक है। फॉर डेडिकेटेड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स तो ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स ठीक है। फॉर डेडिकेटेड एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स जो लोग कंप्यूटर पढ़ाते हैं उनके लिए भी ये कंप्यूटर्स ज़रूरी हैं ठीक है। मार्केटिंग टू मेक एंड सेल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड एसेसरीज नीड ऑफ गुड सेल्स पर्सनल हु आर एक्सपीरियंस इन द वर्क ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल एज स्किल्ड इन मार्केटिंग ठीक है। मार्केटिंग में जो स्किल्ड हो। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स में हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये भाई साहब आपका गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ठीक है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज बेसिकली लोकेटेड इन पूना एंड इट इज इन टू कंप्यूटर्स प्राइमरली ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ठीक है। कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था भाई साहब परम कंप्यूटर वॉज मेड विद द हेल्प फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। सीनियर साइंटिस्ट विजय भाटकर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल गाइडेंस फॉर मेकिंग दिस कंप्यूटर ठीक है। दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म 1 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड यूज इन मेनी फील्ड्स। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है भाई साहब स्पेस रिसर्च में मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिसर्च इन ऑयल डिपॉजिट्स मेट्रोलॉजी मिलिट्री मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग इन सब तमाम चीज़ों में हुआ है। CDAC has also participated in developing the ISCI-2 that is Indian Script Code for Information Interchange Code for writing different language scripts. Okay? The first Indian supercomputer was made with the help of CDAC was kaun sa tha bhai sahab Param. Okay? Okay. Write the full form of the following CDAC Center for Development and Advanced Computing IS-2 Indian Script Code for Information Exchange. Write any two applications of Param computers by some space research and research in oil deposits. तो हमने भाई साहब information communication technology में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं devices used in ICT क्या क्या हैं computers, laptops, mobiles, radio, television ठीक है। parts of a computer एक होगा आपका input unit जिसमें included होंगे keyboard, mouse and scanner या printer भी हो सकता है ठीक है printer भी हो सकता है। processing unit में processor, memory unit, control unit ठीक है ALU unit आउटपुट यूनिट में स्क्रीन मॉनिटर प्रिंटर ये सब हो सकता है ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ठीक है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे कंप्यूटर बना है और सॉफ्टवेयर मतलब जिन सॉफ्टवेयर्स पे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स रन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। अपॉर्चुनिटीज सॉफ्टवेयर फील्ड है हार्डवेयर फील्ड है ट्रेनिंग है मार्केटिंग है ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को एम्प्लॉय करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी में दो टाइप की मेमोरीज होती है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी में आपका होगा भाई साहब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ठीक है। इसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी में आपका आता है हार्ड डिस्क पेन ड्राइव कंप्यूटर डिस्क ठीक है। आजकल तो CDs कोई इस्तेमाल करता नहीं हम ज़्यादा करके पेन ड्राइव्स इस्तेमाल करते हैं सो वी बेसिकली यूज पेन ड्राइव्स ठीक है। आपके जितने भी कंप्यूटर्स अभी लॉन्च हो रहे हैं दे आर ऑल विथ USB पोर्ट सो दैट यू कैन यूज पेन ड्राइव्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ये सारे आपके भाई साहब इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हैं ठीक है। जस्ट वन मोमेंट।